उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो बारिश हुई है उससे काफी नुकसान हुआ है और यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर मार्ग बाधित हो रहे हैं। जबकि आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्र में हो रही भारी बारिश का असर पहाड़ों और मैदानी जिलों में दिख रहा है। जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि मार्ग खुलवाने में पूरी शक्ति के साथ जुट जाएं। साथ ही यात्रा मार्ग पर अभी तक रात में चल रहे वाहनों को रोका जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि जितने ही यात्री यात्रा मार्ग पर निकले और यात्री मौसम का अलर्ट देखते हुए यात्रा मार्ग पर जाएं। सचिव आपदा के मुताबिक प्रदेश में नदियों का जलस्तर सामान्य से अधिक चल रहा है और बीते दिनों सामान्य से 4 गुना अधिक बारिश मिली है, लिहाजा प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। और क्या व्यवहारिक दिक्कत आ रही है और आगे का क्या अलर्ट है मौसम विभाग का? कल कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट था और कुछ जिलों में येलो अलर्ट था। कल शाम से 4 जिलों में रेड अलर्ट की सूचना हमें IMD के द्वारा दी गई थी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी। अदरवाइज हमने उसके अलावा भी जहाँ ऑरेंज अलर्ट था वहाँ से के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी। सारे DM को बता दिया था, आगाह कर दिया गया था। रात में काफ़ी बारिश हुई है, उसमें कुछ डैमेजेस की सूचना आ रही है। उत्तरकाशी में गंगनानी जगह पे एक पत्थर गिरने से 3 वाहनों पे 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हैं। इसके अलावा और कहीं पर भी किसी दुर्घटना की सूचना नहीं है। सारे जिलों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। त्यूनी में कुछ पुश्ते बहे हैं, इसके कारण रोडें बंद है। अदरवाइज़ हाईवे भी कई जगह बंद हुए हैं, इसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है। ये केदारनाथ जाने का जो हाईवे है और बद्रीनाथ वाला हाईवे है, इधर उत्तरकाशी तरफ जो हाईवे है, ये भी जगह जगह बंद हुई है, इसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी हरिद्वार में रात में हमारी बात हो रही थी तो कई जगह जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। जलभराव की स्थिति से भी निपटा जा रहा है। इसके अलावा और कहीं से कोई घटना नहीं की सूचना नहीं है। दिक्कत यह है कि आज भी पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट है। कल जो बारिश हुई है वो एक कह सकते हैं कि इनिशियल था, आज जो बारिश होगी उससे हम आशंका यह है कि डैमेज होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है, NDRF हो, SDRF हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लाइन डिपार्टमेंट्स। हमने 4 धाम के लिए सेक्टर ऑफिसर्स बनाए थे जो भी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तो ये है और हमारी पूरी टीम अपने अपने जो ड्यूटीज़ हैं सब अलर्ट हैं, अपने अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय किए हुए हैं।